मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो केमिकल बॉन्डिंग है इसका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हमने वीक इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो बॉन्डेबल सोर्सेज होते हैं उनके बारे में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है आवर्त सारणी एवं आवर्तिता, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो चैप्टर है आवर्त सारणी एवं आवर्तिता, इस चैप्टर से इनऑर्गेनिक के 70-80% सवालों के जवाब हम दे सकते हैं। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमें एलिमेंट अच्छे से समझ में आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में आ जाती है कि वो कैसे बिहेव करता है, उसमें उसके साइज का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो पीरियोडिसिटी टर्म है आवर्तिता, उसमें हम चार तरह की चीजें स्टडी करेंगे जो पीरियडिकली चेंज होती है किसी भी आवर्त सारणी में। एक होता है साइज, एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड जो लास्ट होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये जो सारी टर्म्स हैं ये आपस में इंटररिलेटेड होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन होने में इन चारों जो प्रॉपर्टीज है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें कौन से रिएक्टेंट सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन से रिएक्टेंट रिएक्शन का एडिशन होगा, ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती है। किसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है, कौन इलेक्ट कौन आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, सारी केमिस्ट्री ही इस पर डिपेंड है। तो ये हमें अगर ये चैप्टर हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो इन सारे सवालों का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम पीरियोडिसिटी पढ़े या आवर्तिता पढ़े, उससे पहले हमें पीरियोडिक टेबल को समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है और उसकी क्या जरूरत पड़ी। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, शायद आपके कोर्स में नहीं हो लेकिन उसको अगर हम पढ़ लेंगे तो जोड़ने में आसानी होगी। तो हम अगर देखें तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या पड़ी, तो 17th सेंचुरी तक सिर्फ 31st जो 31 एलिमेंट ही ज्ञात हमें पता था। तो अगर आप सपोज कीजिए कि 10 या 12 या 15 या 17 या 31 जने हैं, लोग हैं, तो उनके नाम याद करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हमें याद रहता है कि वो क्या नाम है उसका, वो कैसा दिखता है, उसका नेचर क्या है, है ना, वो पतला है मोटा है, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो। लेकिन जैसे ही ये संख्या बढ़ने लगती है तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम उनको सबको याद कर पाए। तो हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे एक मेडिकल शॉप में आप कोई दवाई लेने जाते हो, सपोज उससे आपने सिट्रिजिन मांगा, तो वो सीधे जाएगा लेने, जो आदमी दवाई पे दुकान पे काम कर रहा है वो जाएगा अल्फाबेटिकली देखेगा ए बी सी, सी में सी आई टी आर आई, वो देखा, उसने उसको जमा रखा है, वो तुरंत वो निकाल के ले आएगा। ऐसा ही किसी लाइब्रेरी में होता है किताब की। तो किसी भी चीज को जमाने का करके पैटर्न हम बना दें, चाहे वो अल्फाबेटिकल पैटर्न हो, चाहे उसको सॉल्ट के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके वेट के अकॉर्डिंग हो, चाहे कलर हो, कुछ कोई एक पैटर्न हो उसके अकॉर्डिंग, अगर उसको गुण के आधार पर हम उसको बांटते हैं तो ये आसान हो जाता है कि हम उस चीज को हमें जब आवश्यकता है तब ढूंढ पाए या पहचान पाए कि वो चीज कहाँ मिलेगी। उसी तरह जब 1800 से लेकर 1869 सेंचुरी में ईयर में जब जो तत्वों की संख्या बढ़ती गई वो पहुंच गई 63 के करीब, क्योंकि कई साइंटिस्ट लगे रहे उस टाइम, तो कुछ ज्ञात नहीं था, एक के बाद एक एलिमेंट की खोज होती रही। तो जब बहुत ज्यादा तत्व खोजे गए तो ये आवश्यकता हुई कि इन तत्वों को, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए, कि इनको कैटेगराइजेशन किया जाए, इनको एक वर्गीकरण किया जाए, इनको एक ऐसे सिस्टम में बांटा जाए कि हम पहचान पाए कि कौन से एलिमेंट एक जैसे हैं और कौन से एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो जो पीरियोडिक टेबल है या आवर्त सारणी, जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि जो समान तत्व है वो एक स्थान पे रहे और जो असमान तत्व है स्थान पे रहे। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, समान तत्वों को एक साथ रखा जा सके और असमान तत्वों को अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए हमें आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। तो आज दिन तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 98 जो तत्व हैं वो प्रकृति में मिलते हैं नेचुरली, और जो 20 तत्व हैं वो लैब में बनाए गए हैं मानव द्वारा, उनको भी पीरियड टेबल में स्थान दिया जा चुका है। तो आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो इतनी बढ़िया है, इतनी मॉडिफाइड है कि जो भी नया एलिमेंट हम खोजते हैं उसके लिए पहले ही उसमें स्थान निश्चित कर रखा है। लेकिन आज की स्थिति में हम कैसे पहुंचे वो हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे।
तो सबसे नए जो तत्व हैं अगर हम बात करें तो फ्लेवोरियम एक तो 114 है, एक लिवरमोरियम 116 है, दोनों ही रेडियोएक्टिव तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के विकास के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो तत्वों को बांटा था वो बांटा था लेवोशियर ने। लेवोशियर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला मेटल है वो, ठीक है, एक को बोला वो नॉन मेटल है। कैसे बांटा होगा? मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, धनायन बनाना चाहते हैं बहुत तीव्रता से। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नेगेटिव आयन बनाना चाहते हैं, ऋण आयन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे उन्होंने एलिमेंट लिए जो पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं उनको मेटल दिया बोल दिया, और जो नेगेटिव में चेंज होना चाहते हैं उनको नॉन मेटल कह दिया। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स में मिले जो कि जैसे कि जर्मेनियम एंटीमनी, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, जिनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स या उपधातु। तो जब उपधातु मिले, और ये बहुत ब्रॉड एक डिवाइडेशन था, जैसे कि एक जनरेशन को मैन और वुमेन में बांट देना, ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड था, इससे हमारा जो मतलब है या जो हमारा सिद्धांत जो हमें चाहिए वो इसे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये सबसे तो पहला प्रयास था, इसमें धातु और अधातु में बांटा लेवोशियर ने। उसके बाद में 1829 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था J.W. डॉब्रिनर, इन सब ने इनका नाम सुना होगा, हमने पिछली क्लास में इनके बारे में पढ़ा है, उन्होंने एक ट्रायड बनाया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डॉब्रिनर का ट्रायड। उसमें उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको उनके जो परमाणु भार थे एटॉमिक वेट था उसके आधार पे उन्होंने लिखते गए वो बड़ा बड़ा के ना, और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने दो तत्व लिए, ए तीन तत्व लिए ए बी सी, तो उनमें इन तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी, और इसका जो एटॉमिक वेट था और इसका एटॉमिक वेट था, इन दोनों का जो एवरेज था वो इसका एटॉमिक वेट था। तो इस तरह उन्होंने कुछ ट्रायड्स बनाए जिन्हें डॉब्रिनर के ट्रिक के नाम से भी जानते हैं। उनका उदाहरण बहुत ही कम एलिमेंट पे ये कर पाए वो, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट थे, तीनों ही हम जानते हैं आज की डेट में कि मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। इसका परमाणु भार 7 है, इसका 23 है, इसका 39 है। तो अगर हम देखें 7 और 39 होता है 46, और उसका एवरेज अगर निकालें 2 से डिवाइड करके तो वो आता है 23। तो इस तरह के उन्होंने ट्रायड बनाया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ठीक है, ये भी एक तरह का ट्रायड था उनका, इसमें कैल्शियम 40 बेरियम 137, उनका एवरेज जो आता है वो आता है 88.5, और 88 जो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी तीनों हम जानते हैं आज के डेट में कि हैलाइड्स कहलाते हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, तीनों ही की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तीनों ही विद्युत ऋणीय इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका भी उसने ट्रायड बनाया कि क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127, इन दोनों को अगर इनका एवरेज लें तो बीच का जो है ब्रोमीन उसका एटॉमिक वेट निकल जाता है, ठीक है। पर ये भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स पे लागू नहीं हो पाया, तो ऐसा माना गया कि ये एक संयोग है, या कुछ एलिमेंट्स के लिए ये हो जाता है बट सबके लिए ये नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो ये चीज वहां पे फेल हो गई, ऐसा कोई भी ट्रायड फेल नहीं हो पाया, तो इसकी भी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है। उसके बाद में एक फ्रांसीसी जो जियोलॉजिस्ट थे एईबीडी कैनाकॉटियस, उन्होंने 1862 में सबसे पहले परमाणु भार को एक एलिमेंट के बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में लिया, कि परमाणु भार या एटॉमिक वेट होते हैं उनके आधार पर हम एलिमेंट्स को अलग अलग पहचाना जा सकता है, ठीक है। एक उन्होंने एक वृत्ताकार एक पीरियोडिक टेबल भी बनाई थी, एक सारणी भी बनाई थी, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, है ना, ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही आता है। तो लेवोशियर, उसके बाद में डेब्रोनर का ट्रायड आता है, देन ये कॉनकॉर्टियस 1862 में, उसके बाद में जिसको हम नाम को जानते हैं वो है न्यूलैंड। तो एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, उन्होंने 1864 में एक काम किया, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने उसको व्यवस्थित किया। तो उन्होंने एक चीज देखी कि जो एलिमेंट उन्होंने इनिशियली लिया, सपोज ए 1 2 3 4 5 6 7, जो आठवां एलिमेंट आया था वो ए डैश, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में बिल्कुल मिलती जुलती थी। इस आधार पे उन्होंने एक नियम दिया कि उन्होंने जो बनाया उसमें ऐसा, उन्होंने नियम क्या दिया, उन्होंने एक टेबल बनाया, उसमें ऐसा हुआ कि फर्स्ट जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी
एट प्रॉपर्टीज से मिलती थी, जैसा कि हमारे सरगम के अंदर होता है कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और आठवां सुर वही होता है जो कि पहला सुर है, तो इन दोनों की सुरों की मिल एक जैसे होते हैं। ऐसे अगर इसको हम लिखें तो वापस क्या शुरू हो जाएगा यहाँ से सा रे गा मा, तो ये भी आठ, इसका दूसरा जो है ये आठवें सुर से मिलेगा। तो ऐसे ही पहला एलिमेंट जो भी है वो आठवें एलिमेंट से समान उसकी प्रॉपर्टीज थी, तो ऐसे उन्होंने ऑक्टेट बनाया। तो ये ऑक्टेट था उनका, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन सोडियम। तो जब लिथियम से शुरू होते हैं तो इसका आठवां जो एलिमेंट होता है वो होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम से शुरू होते हैं तो उसका आठवां एलिमेंट होता है पोटेशियम। इन तीनों की प्रॉपर्टी हम जानते हैं अल्कली मेटल्स हैं। ऐसे ही बेरिलियम, इसके लिए आठवां एलिमेंट होगा मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम के लिए आठवां एलिमेंट होगा कैल्शियम। ऐसे ही बोरोन के लिए एल्यूमिनियम। इस आधार पे उन्होंने ये सब एलिमेंट जमाए थे। इन सब की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, मिलती जुलती होती है, क्योंकि मेटल्स हैं सारी। ऐसे यहां हम देखें तो इस फ्लोरीन के लिए जो आठवां एलिमेंट होगा वो होगा क्लोरीन। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी हम जानते हैं मिलती है, दोनों हैलाइड से दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। पर ये न्यूलैंड ने जो कल्पना की थी वो उन्होंने ये मान लिया था कि सिर्फ जो हमारे यूनिवर्स में 56 एलिमेंट प्रेजेंट हैं और भविष्य में कोई भी एलिमेंट और ढूंढा नहीं जा सकता है, उन्होंने संभावनाओं से इनकार कर दिया था। तो उनका जो न्यूलैंड का ऑक्टेट था वो बहुत हल्के जो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम तक, जिसका कि एटॉमिक वेट 40 है, वहां तक ही न्यूलैंड ऑक्टेट के रूप में जमा पाए, उसके बाद में वो भी फेल हो गए। तो न्यूलैंड ने, न्यूलैंड से पहले अपन ने देखा एक जियोलॉजिस्ट ने भी एटॉमिक वेट के बारे में बता दिया था। उसके बाद में आए दो वैज्ञानिक लोदर मेयर और मेंडलीव, जिसमें से लोदर मेयर ने इस चीज को पहले रिकॉग्नाइज किया था कि जो किसी भी तत्व को हमें अगर वर्गीकृत करना है तो उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट है। ओके, तो ये न्यूलैंड के विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन सबसे पहले इसको लोदर मेयर ने डिसाइड किया था, लेकिन लोदर मेयर अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर पाए और उससे पहले इसको डी मेंडलीफ ने पब्लिश कर दिया था। और डिमित्री मेंडलीफ जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया और उन्होंने कहा कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की वो उसके जो एटॉमिक वेट है उसकी उसका पीरियडिक फंक्शन होती है। ठीक है, कैसे होती है अभी समझते हैं। तो डिमित्री मेंडलीफ जो रशियन साइंटिस्ट थे, मैंने बताया 63 एलिमेंट्स का उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने बेसिकली उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का अध्ययन किया, जो एलिमेंट लिया उसका हाइड्राइड बनाया और ऑक्साइड बनाया। तो उन हाइड्राइड और ऑक्साइड जो उन एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी उन सबको उन्होंने एक ही वर्ग में ले लिया, एक वर्ग के अंदर ले लिया। इस तरह उन्होंने उनको बांटा और उन्होंने देखा कि ऐसे जब उन्होंने बनाया हाइड्राइड ऑक्साइड बनाया उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको जब उन्होंने जमाया तो उन्होंने देखा कि वो जो एलिमेंट जमे हुए हैं वो बिल्कुल एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही जमे हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक नियम दिया, इसको कहते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। ठीक है, मेंडलीफ का पीरियडिक लॉ कहलाता है वो। तो उसके अनुसार क्या होता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट और एनी एटम इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। तो ये परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर्ती फलन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ये है कि एक निश्चित टाइम बाद उसका वापस से पुनरावृत्ति होना। कि जैसे हम एक आवर्त में अगर चल रहे हैं या एक वर्ग में हम जा रहे हैं, तो एक वर्ग में सपोज वर्ग आपने वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि पढ़ा हुआ है, लेकिन वर्ग ऐसे जो ऐसे खाने होते हैं उनको वर्ग कहते हैं जो वर्टिकल होते हैं। तो इसमें एक निश्चित अंतराल, ऐसे घूम के जब इधर आएंगे और वापस पे आएंगे तो निश्चित अंतराल बाद क्या होगा, पीरियोडिक रिपीटेशन होता है। जो ऊपर वाले एलिमेंट का जो गुण है वही नीचे वाले एलिमेंट में गुण आते हैं। तो आवर्ती फलन एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीव ने तत्वों को एक सारणी के रूप में बनाया था। सारणी के रूप में सबसे पहले जमाने वाले जो थे साइंटिस्ट वो मेंडलीव ही थे, और उस जो सारणी थी उसको हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताई दिया कि लोदर मेयर और मेंडलीव दोनों ने लगभग साथ में ही नियम दिया था, पर लोदर मेयर अपने कार्य को पब्लिश नहीं कर पाए। तो जो दिखता है उसको ही पहले लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ये मेंडलीव की
आवर्त सारणी थी। इसमें इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट ग्रुप में बांटा था और हर ग्रुप को एट्थ को छोड़ के ए बी दोनों ग्रुप में बांटा, ए बी ए बी दो ग्रुप में बांटा, फर्स्ट सेकंड बी सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह एट्थ में ट्रांजिशन सीरीज को उसने रखा। एट्थ में जो था वो तीन तीन एलिमेंट है, आप देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीन सीरीज है। इसके अलावा ये जो है ये सब वर्ग कहलाते हैं, ये जो वर्टिकल है इन सबको हम कहते हैं वर्ग और इंग्लिश में नहीं कहते हैं पीरियड्स, सॉरी ये कहलाते हैं कॉलम। और ये ओके ये हमारे ग्रुप हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड, और ये होते हैं हमारे आवर्त जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त इसने बांटा कुल 6 आवर्त इसने बताया, जिसमें कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स में दो दो सीरीज थी, फोर्थ में ये फर्स्ट सीरीज ये सेकंड सीरीज ये इस तरह सीरीज है ना। ये एक मेंडलीव की आवर्त सारणी का मोटा मोटा रूप है। इसके जो मुख्य विशेषताएं थी मैंने आपको बताई दी हैं कि आवर्त सारणी में ग्रुप और आवर्त में डिवाइडेड था, ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, जो वर्टिकल होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड, सॉरी ऑरेंज जो होती है उसको हम कहते हैं ओके तो जो हॉरिजेंटल हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल ग्रुप कहते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल 6 आवर्त होते हैं जिनमें 1 से 6 तक की संख्या दी गई है, चौथे पांचवें छठे में दो दो सीरीज में मैंने आपको बताई दी। तो आवर्त में जो हम देखते हैं तो गुण एक एक करके बदलते हैं, अगर साइज की बात करें वो आगे हम पढ़ेंगे आवर्तता में। तो एक आवर्त में गुण एक एक करके बदलता है, जबकि जो एक पीरियड होता है जो एक ग्रुप होता है वर्ग होता है उसमें लगभग समान ग्रुप इधर रहते हैं, समान सेम प्रॉपर्टी, और अगर इधर देखें तो पीरियडिक चेंज। ये पीरियडिक टेबल का एक बेसिक फिनोमिना है, ठीक है, ये हमें समझना होगा। ये लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो पीरियडिक रूप से उसके गुण बदलते हैं, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनके गुण समान रहते हैं। तो खड़े स्तंभ जो है उनको ग्रुप कहते हैं, 1 से 8 तक स्तंभ होते हैं, फर्स्ट से 7 तक ए और बी में डिवाइडेड है, मैंने बता दिया आपको। 8 में 3 एलिमेंट शामिल होते हैं। ओके, तो मेंडलीव जो सारणी थी उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद ये फेल क्यों हो गई? तो फेल ये इसलिए हुई क्योंकि उसने उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी ली थी वो एटॉमिक वेट ली थी। ठीक है, एटॉमिक वेट, तो यहीं पे थोड़ा सा फेलियर हो गया ना? लेकिन इसने आगे के जो और दूसरी नई जो आधुनिक आवर्त नियम है उसके लिए एक रास्ता दिखाया था। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी थी, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जानते हैं 1s1 होता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो रहा है, पूर्णतः खाली हो रहा है ना। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें आ जाता है तो पूर्णतः भर जाता है। तो दोनों ही स्थिति में ऐसा माना जाता है कि वो उसमें स्थायित्व होता है। तो उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है। तो जैसे हैलाइड्स होते हैं जिनका कन्फिग्रेशन होता है NH2NP5, ठीक, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, वो स्थायी हो जाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इनका 1s2 ये कोश पूरा हो जाता है, ये है ना, ये पूरा हो जाता है। तो इसको हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो डिसाइडेड नहीं हुई इसमें कि उनको एल्कली मेटल के साथ रखा जाए या हैलोजन के साथ रखा जाए। ठीक है, पहली इसकी ये कमी थी। दूसरी कमी समस्थानिकों की स्थिति। जो समस्थानिक होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वे होते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक वेट अलग अलग हो। ठीक है, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। अब क्योंकि ये जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, तो एटॉमिक वेट अगर अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए। लेकिन जो समस्थानिक होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो अगर उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रखते हैं तो प्रॉपर्टी तो सेम है, रखना उनको सेम चाहिए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है अलग अलग रखो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था, इसीलिए ये उसकी बहुत बड़ी एक कमी थी। ठीक है, कुछ जो पेयर थे बहुत ही विषम थे। ठीक है, बहुत ही उनमें कोई समानता नहीं थी इनको प्रॉपर्टी में, फिर भी उनको साथ साथ रखा गया। ठीक है, जैसे कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिया गया, टेलीरियम को आयोडीन से पहले रख दिया गया जबकि उससे भारी होता है।
ऐसे ही जो कॉपर और सिल्वर है, इन एलिमेंट की एल्कली मेटल के साथ कोई ज़्यादा समानता नहीं होती है, लेकिन उनको फिर भी लिथियम और सोडियम के साथ रखा गया, ठीक है। जबकि ऑरस, प्लैटिनम जो जिनमें समानता होती है उनको अलग अलग रखा गया, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि एटॉमिक वेट से इसको कोरिलेट किया गया। तो एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, ये हमें बाद में पता चला जबकि आधुनिक आवर्तन दिया गया। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।